अस्सलाम वालेकुम यार, गुलाम असफा इस्लाम स्टूडेंट बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सर सैफुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, बहरिया टाउन में एक तो ये बताएं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या पड़ रही है, और सेकंड ये बताएं कि बहरिया टाउन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कंपेयर करें हम कराची के साथ तो महंगी क्यों? एक तो ये कि बहरिया टाउन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तो अगर कंपेरिजन की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं कि कराची में कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कराची के अंदर ही अगर आप DHA में जाते हैं तो वहाँ तो कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है एक अच्छा रीजनेबल जो विले बनते हैं वहाँ पे कुछ 7,000 to 8,000 तक पर स्क्वेयर फीट की कॉस्ट है। हाँ, अलबत्त जो पीछे इधर उधर के लेफ्ट राइट के एरियाज हैं तो वहाँ पे बहुत कम भी है। वहाँ पे फिर देखना ये कि घर कैसे बन रहे हैं। तो अगर तो आप बहरिया टाउन को DHA से कंपेरिजन कर रहे हैं तो यहाँ उससे बहुत सस्ती है, और अगर लेफ्ट राइट के एरियाज बहुत सारे एरियाज जहाँ पे इन चीज़ों का नहीं ख्याल रखा जाता, स्टैंडर्ड का और बाकी चीज़ें नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड को मतलब एवरेज है, तो वहाँ पे तो बहुत सस्ते सस्ते भी बन जाते हैं, उसका बहरिया टाउन से कंपेरिजन नहीं बनता। तो एक तो चीज़ ये आप मेक श्योर कर लें कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन बहरिया टाउन में हो रही है, कराची में अगर इस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये महंगा नहीं है उससे। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क इस सेंस में ज़रूर है कि ये चूँकि सिटी से हटके यहाँ पे लेबर उस तरीके से इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती, यहाँ पे मटेरियल उस तरीके से इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता, और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि बहरिया टाउन के जो स्टैंडर्ड हैं बिल्डिंग के हवाले से वो बहुत अच्छे हैं और बहुत उसके स्ट्रिक्ट हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे 125 गज के विला के ऊपर जितना स्टील बहरिया टाउन लगवाता है, कराची के कुछ एरियाज में इतने ही स्टील से 250 स्क्वायर यार्ड का भी विला बन जाता है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा बन जाता है। फिर इसके बाद यहाँ के बाकी जो स्टैंडर्ड हैं वो बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। कॉस्ट वाइज देखें तो वो शायद एक्स्ट्रा हमें ज़रूर लगते होंगे, महंगे ज़रूर लगते होंगे, बट लॉन्ग टर्म देखें तो वो बहुत अच्छे हैं। और अच्छी बात यह कि बहरिया टाउन इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और ये चीज़ एंड यूज़र के लिए इस सेंस में बहुत अच्छी है कि कोई भी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर अगर जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का उसमें कोई कंप्रोमाइज़ करना भी चाहे तो बहरिया टाउन अलाउ नहीं करता, तो ये एंड यूज़र के लिए एक सेफ्टी भी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस स्टैंडर्ड का विला कहीं और भी बन रहा होगा तो उसकी प्राइस कम नहीं होगी, लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ें जिसमें मैंने फैक्टर बताए हैं कि ये लेबर का फैक्टर है, सिटी से दूर होने के मटेरियल का, इसका माइनस इम्पैक्ट ज़रूर इसके ऊपर है। अच्छा, बाकी चीज़ ये है कि कॉस्ट क्या आजकल पड़ रही है। देखिए, जो अनसर्टेनिटी है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, तो मेरा ख्याल से इस वक्त 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से कम का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत मुश्किल है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो स्टेबल रहेगी या बढ़ेगी? देखिए, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है या किसी भी चीज़ की प्राइस है या इन्फ्लेशन है वो तो हमेशा से बढ़ता ही रहे, लेकिन अभी कुछ चीज़ों में कहा जा रहा है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी इन सेंस आएगी कि फॉर एग्जाम्पल स्टील है तो उसमें जो मटेरियल उसका इम्पोर्ट होता था पहले, उसमें इम्पोर्ट मटेरियल में थोड़ा सा इशू आ रहा था, अभी उसकी एफ्लुएंसी बेहतर होगी, तो हो सकता है शायद स्टील में कुछ थोड़े से करेक्शन हो, थोड़ा सा रेट बेहतर हो जाए। बाकी ऐसा सच कोई ख़ास कोई रीज़न नहीं नज़र मुझे आ रही जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कम हो। थैंक यू सो मच सर। बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।